क्वेश्चन नंबर फोर को आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है ई टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम करते हैं, कैसे करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच रख देंगे, ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर कॉस एक्स अपॉन एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, अगर ई टू द पावर कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एच, यही बचेगा। हमने ई टू द पावर कॉस एक्स को माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, तो इसमें से कॉस एक्स को घटा दिया है और ये माइनस वन हो गया, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस वन अपॉन, अगर मैं यही कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, बटा एच, ये जो एच है, और इधर कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगर मैंने कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो इक्वेशन में तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एज इट इज़ जैसे था वैसा हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा अपन लोगों को क्या होगा कि हम लोग पहले पढ़े हैं ना लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो क्या ये वो वैसा ही हो रहा है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस वन बटे कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू वन इंटू ये वाला होगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स बटा एच, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अरेंज कर लेते हैं अब चीज़ों को। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। अब देखिए एक फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस कॉस बी का एक फार्मूला है माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू और इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये एक फार्मूला है, ठीक है, जिसमें जिसको अब इस वाले फार्मूले पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स, अब इसका फार्मूले में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू माइनस टू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन
टू और पूरे का बट्टा एच ये वाला। अब देखिए अगला स्टेप, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन टू साइन एच अपॉन टू बटा एच। अब हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा है कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो हो और साइन थीटा अपॉन थीटा हो उसकी वैल्यू वन होती है, तो हम यहाँ पे वैसा कर सकते हैं कि एच बाई साइन एच बाई टू है, तो अगर हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करें और टू से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए अगला वाला में कर देते हैं, वही लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच बटा दो साइन एच बाई टू। अब एच को इधर है टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, यही किया ना, एक सेकेंड टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे, इधर टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, ठीक है। जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू से ये चला जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन, अगर इसको मैं ऐसे x प्लस एच बाई टू लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना, और इधर साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लिमिट हम इसमें लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। e टू दी पावर cos x को मैं अब बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब लगाता हूँ लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, माइनस को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, साइन x प्लस h बाई टू इंटू लिमिट इसके लिए सेपरेट कर रहा हूँ h टेंस टू ज़ीरो साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, यही है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस e टू दी पावर cos x, और इसकी वैल्यू अगर h टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? वन हो जाएगी। तो अब इसका रिजल्टेंट अपने पास क्या आ गया? माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स, ये किसका है? डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स का है, माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिए, नहीं तो नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। पहले हम लोगों ने इसको दोबारा हम लोग करते हैं, समझाता हूँ कि कैसे किया है। फंक्शन कोई दिया हुआ था ई टू द पावर कॉस एक्स, हमने इसको एफ एक्स माना है, एफ एक्स इजक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है एफ एक्स, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में ई टू द पावर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ई टू द पावर एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच रख दिया है, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे हमने कॉस एक्स को ई टू द पावर कॉस एक्स को कॉमन लिया, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक कॉस एक्स को घटा देंगे, क्योंकि हम ई टू द पावर कॉस एक्स ही को माइनस कॉमन ले रहे हैं, घटा दिया माइनस वन अपॉन एच। अब देखिए ये फंक्शन ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस वन। अब देखिए कि अगर हम ई टू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई इक्वेशन में कहीं पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि अपने पास एक फार्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वन। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ये कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच हो जाएगा, एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब एक कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच है, ये एच को इधर भी रखे हैं इधर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अपने पास एक फार्मूला है कॉस
ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है, अगर इसको पूरे को कॉस ए माने और इसको कॉस बी माने तो कॉस ए माइनस कॉस बी का होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ठीक है। उसी को लिखा ए टू द पावर कॉस एक्स माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा और साइन एच बाई टू हो जाएगा। अब साइन एच बाई टू है और नीचे एच है, तो एक फार्मूला हमने और पढ़ा है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो और साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो हमने क्या किया है, साइन एच बाई टू पे नीचे एच था, हमें ज़रूरत क्या की थी, दो की थी, तो दो से इसको एच को मल्टीप्लाई भी किया और दो को डिवाइड भी किया। यहाँ एच को किया है दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला है ये वाला इससे कैंसिल आउट कर देगा इसे, तो अपने पास बचेगा क्या, h बाई टू बचेगा सिर्फ। अब देखिए हमने उसको h बाई टू को लिख दिया है, अब माइनस को बाहर ले आया, e टू द पावर cos x को कौन सा था उसको बाहर लेके आ गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, अब x अपॉन h बाई टू हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू पता है ये वन होगी, हमने इसकी वैल्यू वन कर दी और एस टेंस टू जीरो करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो साइन एक्स बचेगा, तो साइन एक्स बच गया। इसको अब बाहर ले अच्छे से अरेंज कर देंगे तो माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। थैंक यू।